वीर भगत सिंह हुए, वीर हुए, वीरांगनाएं हुए, हुई हुई उनकी भी रागिणी सुनते हैं। एक बार उन वीरों के लिए, उन वीरांगनाओं के लिए कि एक हम लड़की होकर आज स्टेज पे नाच सकते हैं, डांस कर सकते हैं, तो उन वीरों के कारण, क्योंकि आज हम स्वतंत्र हैं और आप इतना अच्छा प्रोग्राम करवा सकते हो, दे सकते हो, तो किन के कारण? उनके कारण। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए, क्योंकि कहा किसी ने और बड़ी अच्छी बात लिखी कि क्यों मरते हो बेवफा सनम के वास्ते, अरे मरना है तो मरो अपने इस वतन के वास्ते, कि क्यों मरते हो बेवफा सनम के वास्ते, अरे मरना है तो मरो अपने इस वतन के वास्ते, तो कद जमीन नहीं मिलेगी तुम्हें तुम्हारे दफन के वास्ते, जब आएगी, जब आएगी तुम्हारी लाश उस तिरंगे में लिपट कर, हम जैसी लाखों हसीना अपना दुपट्टा उतार देंगे तुम्हारे कफन के वास्ते, तुम्हारे कफन के वास्ते। आइए कि जब भगत सिंह की माँ, जिनका नाम विद्यावती था, भगत सिंह से कारावास में मिलने आती है, जेल में मिलने आती है, आइए तो किस प्रकार से भगत सिंह अपनी माँ को संतुष्टि देता है कि माँ तू तो बहुत भाग्यशाली है कि तेरी कोख से मैंने जन्म लिया, और आइए किस प्रकार से वो माँ अपने बेटों को भी कहने लगी कि भगत सिंह आज तो इस भारत माता के लिए, इस हिंदुस्तान के लिए, इस धरती माता के लिए हमारे बीच से चला जाएगा, पर ये मत सोचिए कि तू चला गया, परंतु तू हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया, क्योंकि प्रेमी सजनों बेशक वो वीर हमारे बीच से नहीं है, पर उनका नाम कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक चांद सितारे रहेंगे उनका नाम हमेशा हमेशा रहेगा। आइए बोल भारत माता की, आइए किस प्रकार से सारे हिंदुस्तानी है, बड़ी जो हिंदुस्तानी एक बार हाथ उठाओ उठाओ बोलिए भारत, ये बीवी निठारे देखे We'll be right back.
भाग्यशाली हूँ किस हिंदुस्तान में मैंने जन्म लिया और मेरी कोख से तुझ जैसे लाल ने जन्म लिया। अरे आज तो एक लाल गया है, अगर मेरी कोख से तेरे जैसे 100 लाल भी होते तो भी मैं घबराती नहीं। पहली बात के माध्यम से ये कहने लगी छोटा सा था तो उसके अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा था, जुनून था। सजनों मात्र 22 साल की उम्र में उसने फांसी का फंदा चूम लिया था। आज के जमाने में 20-22 के साल के बच्चों को कुछ नहीं पता रहता। बताया अंग्रेजों ने ही बोला कि रे भगत सिंह तू हमसे माफी मांग ले, तू हमसे माफी मांग ले, तेरी फांसी की सजा माफ कर देंगे। सजनों पर वो भगत सिंह था, उसने कह दिया तो दो प्रकार के लोग मानते हैं, एक वो जो अपने देश के गद्दार होते हैं और दूसरे वो जो गुनेगार होते हैं। ना मैं गद्दार हूँ और ना मैं गुनेगार हूँ, तो मर तो सकता हूँ, माफी कतई नहीं मानूंगा मांगूंगा। और लिखा किसी ने कि जज्बती शहादत का क्या करे दोस्तों, जब हथेली पे हमने ये सर ले लिया है। बात अच्छी लगे तो हमारे लिए नहीं, उन वीरों के लिए जोरदार ताली जरूर बजाना। किसी ने लिखा कि अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है,
शहीदों के सर का कफन बिक रहा है, के अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, शहीदों के सर का कफन बिक रहा है। और बुरा ना मानो तो खुले अल्फाजों में कह दूं मेरे दोस्तों, कुछ गद्दारों के हाथों मेरा ये वतन बिक रहा है, वतन बिक रहा है। जय हिंद जय हिंद जय होता है, कभी सर्दी कभी गर्मी कभी धूप कभी छांव कभी बरसात कभी सावन। आज के आज से पहले कभी सुना है कि भारत माता तो सुना होगा, पर कभी ऐसा सुना है कि इंग्लैंड माता, अमेरिका माता, लंदन माता? नहीं, माता जो शब्द लगाया गया है वो भारत के आगे पीछे लगाया गया है, क्योंकि बहुत अच्छी बात लिखी। और कैसे? मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, जी।
और हमारे साथ आप सभी को साथ देना है, दोनों हाथों को उठा के। और कैसे भगत सिंह का जी।